बोकारो में राष्ट्रीय मछुआरा दिवस का हुआ आयोजन, लगाए गए वृक्ष। बोकारो जिला सेक्टर 4 थाना क्षेत्र के 4G में नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के बैनर तले राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाया गया तथा इस अवसर पर वृक्षरोपण का कार्यक्रम भी किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के झारखंड प्रदेश महासचिव सरयू केवट के देखरेख में आयोजित की गई। उनके साथ सेक्टर थाना के इंस्पेक्टर इंद्रासन चौधरी ने भी कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाई। कार्यक्रम के संयोजक श्री केवट ने कहा कि हम सब राष्ट्रीय मछुआरा दिवस इसलिए पूरे देश में मनाते हैं कि आज ही के दिन हमारे 2 वैज्ञानिकों ने मत्स्य बीज का निर्माण किया और हम सबों को स्वावलंबी बनाया। उन्हीं के याद में हम बोकारो में पहली बार राष्ट्रीय मछुआरा दिवस के रूप में मना रहे हैं। दुर्भाग्य है कि झारखंड में मत्स्य विभाग द्वारा चुपके चुपके मनाया जाता है, लोगों को इसकी जानकारी नहीं दी जाती। झारखंड में जिस तरह से वृक्ष की कटाई की जा रही है उससे हमारा मॉनसून प्रभावित हो रहा है। हमारे मौसमी तालाब उजड़ रहे हैं, तालाबों पर बिल्डरों का कब्जा होते रहा है। इसको देखते हुए हम लोगों ने आज के दिन वृक्ष लगाने का निर्णय लिया ताकि झारखंड में मॉनसून की बरसात हो और हमारे तालाब में पानी की किल्लत ना रहे और हमारा वातावरण प्रदूषित ना हो। न्यूजीलैंड के लिए बोकारो से बृजभूषण द्विवेदी की रिपोर्ट। आज 10 जुलाई को हमारे 2 वैज्ञानिक, एक डॉक्टर एच के अलीकुन्नी और डॉक्टर एच एल चौधरी, इन्होंने 1957 में उत्प्रेरित प्रजनन से मत्स्य बीज का निर्माण किया और उसके फलस्वरूप मछली पालन में अंततोगत्व बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई और उसी के उन्हीं को याद करने के लिए राष्ट्रीय मछुआरा दिवस मनाया जाता है, पूरे देश में मनाया जाता है। ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में विभाग गुप्पे चुप्पे रूप से मछुआरा दिवस मनाने का प्रयास करती है और लोगों को यह जानकारी नहीं हो पाती है कि आखिर मछुआरा दिवस क्यों मनाया जाता है। खासतौर पे इन्हीं दोनों वैज्ञानिकों को याद करने के लिए मछुआरा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने मछुआरों के आर्थिक स्वावलंबता को बढ़ाने के लिए जो क्रांतिकारी कार्य किए उसी पर मछुआरे इन्हें याद करते हैं और हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर मछुआरा मत्स्य दिवस नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। इनके माध्यम से हम लोग नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन के माध्यम से पूरे राष्ट्र में मनाया जाता है। दुर्भाग्य है कि हम लोग इनलैंड फिशरीज से बिलोंग करते हैं, अंतर प्रदेशीय मछुआरे से बिलोंग करते हैं, लेकिन मैरीन स्टेट के जितने भी हैं, जो समुद्रीय प्रदेश के जितने भी लोग हैं, वो इन्हें बृहद रूप से मनाते हैं और उन्हें याद करते हैं और उन्हीं को याद करने के स्वरूप में आज बोकारो में भी इनलैंड प्रदेशी अंतर प्रदेशीय मछुआरे भी जागरूक होकर के उन्हें याद करके और उनको श्रद्धांजलि सदा सुमन अर्पित कर रहे हैं। जैसा कि आप पूरे देश नहीं पर पूरे विश्व में आज के परिवेश में कभी झारखंड में इस तरह की गर्मी नहीं पड़ती थी और ना ही वर्षा की अनियमितता होती थी, लेकिन जिस तरह से वृक्षों की कटाई की गई उससे इसके परिणाम स्वरूप आज के परिवेश में पूरे प्रदेश में मानसून अनियमित, वर्षा अनियमित, जिसके कारण हमारे मौसमी तालाब जो बरसात के दिनों में भर जाते थे और मौसमी तालाब भी प्रभावित होने लगे। यह दुर्भाग्य है कि आज तो हम लोग पाएंगे झारखंड में अगर यदि सर्वे किया जाए तो बहुत सारे मौसमी तालाब जो है अस्तित्वहीन हो गए हैं, विलय हो गए हैं, कहीं नहीं है, वहाँ बिल्डर जो है बड़े बड़े बिल्डिंग खा कर दिए हैं। ये मौसमी तालाबों को आज के देश में जैसे जैसे खराब होता जा रहा है उससे हमारे मछुआरे की आर्थिक प्रबलता जो है वो दुर्लभ होती जा रही है। हम आर्थिक रूप से कमजोर होते जा रहे हैं क्योंकि हमारा आय का साधन जो है फिशरिंग है, मछुआरे जो है आज के परिवेश में उसी से अपने आर्थिक स्वावलंबता पाते हैं, लेकिन इसको हटाने के लिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ फिशरमैन ने यह दृढ़ संकल्पित लिया है कि प्रत्येक वर्ष मछुआरा राष्ट्रीय मछुआरा दिवस पर हम लोग वृक्षारोपण का कार्य करेंगे ताकि वातावरण संतुलित रहे और भारी मात्रा में वर्षा हो जिससे मौसमी तालाबें भी भरें और साथ साथ में हमें आर्थिक स्वावलंबता प्रदान।
रामगढ़ में पहली बार एसी मैरिज हॉल आपके और आपके पूरे परिवार के लिए। जी हाँ, गणक मैरिज हॉल, सतकौड़ी कॉम्प्लेक्स, बार्गेन बाजार के पीछे, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9431957975, 9386403891। न्यूजलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है